मुअज्जज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे सब्बा फैसल और हकीम इफरोज के साथ जंगल में खड़ा होता है और कहता है, आज सलजोग इफरीत के दो सर एक दूसरे को हराने की शदीद कोशिश में दाखिल होंगे और संजार अपने सिपाहियों के साथ मलिक शाह की तरफ से लड़ेगा। जब मलिक शाह और तकीश एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे होंगे तो हम बशुलो खतून को अगवा कर लेंगे। इस पर फैसल कहता है, हम उन्हें कबीले से बाहर किस तरह लेकर आएंगे बाबा? तो सब्बा कहता है, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि बशुलो खतून खुद चलकर हमारे पास आएगी। इधर सलजोगी महल में तमाम लोग सुल्तान को रुख्सत करने के लिए खड़े होते हैं। इसी दौरान मलिक तबार और संजार मां मलिक के पास आते हैं। तबार मां मलिक से कहता है, माह मलिक आप इतनी उदास क्यों नजर आ रही हैं? खानदान की बेटी को किसी को जंग पर भेजते हुए इस कदर अफसरदा नहीं होना चाहिए। तो मां मलिक कहती है, अगर आप और बाबा तख्त की जंग से वापस ना लौट सके तो क्या होगा? इस पर तबार मां मलिक को हौसला देते हुए कहता है, अपनी खूबसूरत आंखों से आंसू मत बहने दें, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आप देखेंगी कि वालिद मोहतरम और मैं दोनों सलामती से ही वापस आएंगे, बस आप हमारे लिए दुआ करें, इतना काफी है। फिर संजार कहता है, शहजादे साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मां मलिक खातून, हमारे सुल्तान ने बहुत सी जंगें जीती हैं, वो हमेशा सलामत रहते हैं और लौटकर वापस आते हैं। अल्लाह फिर से हमारे सुल्तान की मदद करेगा, आप परेशान ना हो। तो मां मलिक कहती है, शुक्रिया संजार साहब, मगर आपके भाई और वालिद नहीं हैं जो जंग पर जा रहे हैं, आप मेरे दिल के खौफ को नहीं समझ सकते। यह सुनकर मलिक तबार को बहुत दुख होता है और वो गौर से संजार की जानिब देखता है। इसी दौरान एक सिपाही की आवाज़ गूंजती है, सुल्तान मलिक शाह तशरीफ ला रहे हैं। यह सुनकर तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर सीधे होकर खड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही सुल्तान महल के सेन में दाखिल होते हैं। सुल्तान को देखकर तमाम लोग अदाब बजा लाते हैं और सुल्तान जुबैदा खातून से कहते हैं, महल का ख्याल रखिएगा जुबैदा खातून, अगर मैं वापस जिंदा ना लौट सका तो बरकिया रोक के पहुंच जाने तक अस्फहान की हिफाजत करना। इस पर जुबैदा खातून कहती है, जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान, मैं हमेशा आपकी फतह के लिए दुआगो रहूंगी। फिर मां मलिक कहती है, अल्लाह आपकी और मेरे भाई की हिफाजत करे मेरे सुल्तान, इंशाल्लाह आप यहाँ बा हिफाजत वापस आएंगे। ये सुनकर सुल्तान मां मलिक के पास जाते हैं और उससे प्यार करते हुए कहते हैं, मेरी औलाद में सबसे ज्यादा कीमती मेरी बा अजमत बेटी, मैं आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ। इसके बाद तरकान कहती है, आपकी तलवार तेज दहार हो मेरे सुल्तान, हम हमेशा दुआ करेंगे और आपका इंतजार करेंगे। इस पर सुल्तान तरकान का शुक्रिया अदा करके घोड़े की जानिब बढ़ते हैं और वज़ीर आज़म कहते हैं, सुल्तान वादी के गिर्द आपके सिपाही और तुर्क सरदारान तैयार हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर शेरदिल सुल्तान हाँ में सर हिलाने के बाद घोड़े पर सवार हो जाते हैं और एक नज़र गौर से अपने महल को देखने के बाद वहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि सुल्तान के पीछे पीछे उनके करीबी लोग भी महल के दरवाजे से निकल पड़ते हैं। दूसरी जानिब कनक कबीले में बशुलो खतून तुरना खतून के साथ चलकदमी कर रही होती है और एक खेमे के सामने जाकर पूछती है, बेटी क्या अभी तक लिविया को होश नहीं आया? तो तुरना खतून कहती है, जी नहीं वालदा मोहतरमा। इसी दौरान सलजोगी लिबास में मलबूस एक बातनी घोड़े पर सवार कबीले में दाखिल होता है और बशुलो खतून के पास आकर कहता है, क्या आप बशुलो खतून हैं कबीले की खवातीन के सरदार? तो बशुलो खतून कहती है, जी हाँ, क्या मामला है? इस पर बातनी सिपाही कहता है, जासूसों ने पैगाम भिजवाया है, झील किनारे से कुफार खवातीन पर हमला करेंगे, वो बहुत ज्यादा है, हमें मजीद नफरी की जरूरत है। ये सुनकर बशुलो खतून बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, वो जलील जंग का फायदा उठाकर हमला कर रहे हैं, मैं सिपाहियों को लेकर जाऊंगी। इस पर तुरना खतून कहती है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी वालदा मोहतरमा। तो बशुलो खतून कहती है, तुम कबीले का ख्याल रखोगी बेटी, उन्होंने पहले भी झील के किनारे से हम पर हमला करने की कोशिश की थी, इस बार हम उन्हें इसकी इजाजत नहीं देंगे। फिर सिपाहियों को मुतवज्जो करके कहती है, सिपाही अपनी तलवारें संभाल लो, हम झील किनारे जाएंगे और इस हमले को रोकेंगे। बशुलो खतून का हुक्म मिलते ही सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। इधर तकीश अपने लश्कर को लिए हुए अजीम वादी में खड़ा होता है। इसी दौरान सुल्तान मलिक शाह अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में दाखिल होते हैं और तुर्क सरदार भी सुल्तान की फौज में शामिल होते हैं। सुल्तान का लश्कर देखकर तकीश का मुशीर कहता है, सुल्तान मलिक शाह का लश्कर हमसे कई गुना ज्यादा है। तो तकीश कहता है, मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इसके साथ ही सुल्तान मलिक शाह का लश्कर मैदान जंग में सब बसब खड़ा हो जाता है, जबकि सुल्तान मलिक शाह अपने बेटू और वजीर आजम के साथ लश्कर के आगे साफ बना लेते हैं। तकीश का लश्कर देखकर मलिक तबार कहता है, मेरे सुल्तान, हमने खरासान जो पैगाम भिजवाया था उसने असर किया है, इन में से ज्यादातर ने आप पर भरोसा किया है और नहीं आए। फिर संजार कहता है, वो जानते हैं कि वो सुल्तान के मुकाबले में फतह हासिल नहीं कर सकते, अगर आप चाहें तो हम एक पैगाम रसां भेज कर उन्हें हथियार डालने का कह सकते हैं। तो वजीर आजम कहते हैं, मैं नहीं समझता कि वो इसे कबूल करेंगे, वो आखिरी दम तक लड़ेंगे सुल्तान। मेरे सुल्तान, अगर आप हुक्म देंगे तो हम हमले के लिए फौज को तरतीब देंगे। सब लोगों की बात सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं, मैं चंद लोगों पर हमला करके खून नहीं बहाऊंगा हाजी, मेरी जंग तकीश के साथ है, हम में से जो भी जिंदा रहेगा उसके पास तख्त पर बैठने का इख्तियार होगा। जवाबन वजीर आजम कहते हैं, मेरे सुल्तान, हम नहीं जानते कि इस लड़ाई में क्या होगा, अगर कुछ बुरा होता है तो सल्तनत संभल नहीं सकेगी। ये सुनकर सुल्तान अपनी तलवार बेनियाम कर लेते हैं और कहते हैं, हमने अपने अबाऊ अजदाद अलब अरसलान से इस रियासत को हासिल किया है, अब जो भी जिंदा रहेगा वो हमारे अबाऊ अजदाद की तलवार पाएगा। अल्लाह लोगों को हुक्मरानी की ताकत देता है, अब ये उसका फैसला है।
ये कहते साथ ही सुल्तान मलिक शाह अपने घोड़े को आगे बढ़ाते हैं और उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर तकिश कहता है, सुल्तान अकेली लड़ाई चाहते हैं, इस रियासत की औलाद होने के नाते हमें यही जेब देता है। ये कहते साथ ही तकिश भी अपने घोड़े को आगे बढ़ाता है और वो दोनों लश्करों के दरमियान एक दूसरे के सामने आग खड़े होते हैं। तकिश के करीब आने पर सुल्तान कहते हैं, हत्ता के जिन आदमियों पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वो भी तुम्हारे साथ नहीं खड़े हुए और तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें समझ में नहीं आती कि तुम सुल्तान बनने के हकदार नहीं हो। तो तकिश कहता है, आपको इससे क्या हासिल हुआ, क्या आप में मुझे हराने की ताकत है, आपने मुझसे अकेले लड़ने का फैसला किया, यकीनन आपकी बहादुरी काबिले तारीफ है, मगर क्या आप खौफजदा नहीं हैं? अगर मैंने आपको हरा दिया तो आपकी फौज बिखर जाएगी, उनमें से अक्सर मेरी तरफ आ जाएंगे। ये सुनकर सुल्तान अपने घोड़े से कूद जाते हैं और तकिश भी घोड़े से उतरकर सुल्तान के सामने खड़ा हो जाता है। फिर सुल्तान कहते हैं, मैंने हमेशा सबसे पहले अल्लाह पर भरोसा करके जंग शुरू की है और फिर अपनी ताकत पर भरोसा किया है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जिस चीज की मुझे हकीकत में परेशानी है वो ये है कि रियासत को धोखा देने में ऐसा शख्स शामिल है जिसने अपने खून को धो दिया और रियासत के दुश्मनों के साथ तावुन किया और अब मैं उसे अपनी तलवार से रोकूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान अपने हाथ में मौजूद सुल्तान अलप अरसलान की तलवार अपने और तकिश के दरमियान गाड़ देते हैं और कहते हैं, हमारे वालिद की तलवार हमारी वालदा की निशानी, हम दोनों इसके सामने लड़ाई करेंगे, तकिश जो जिंदा बच जाएगा ये तलवार उसकी होगी, ये वो शख्स होगा जिसके पास ताकत होगी। तो तकिश कहता है, जब एक कमजोर भेड़िया गिरता है तो ताकतवर भेड़िया उसे चीर फाड़ देता है, मैं भेड़िये के उसूलों पर अमल करूंगा, मैं आपको चीर फाड़ दूंगा और वो हासिल कर लूंगा जो मेरा हक है। यह सुनकर सुल्तान मलिक शाह अपनी तलवार बेनियाम कर लेते हैं जबकि तकिश भी म्यान से अपनी तलवार खींच लेता है और सुल्तान कहते हैं, ये फैसला हमारी तलवारों को करने दो। दूसरी जानिब बशोलो खतून बातनी सिपाही के धोखे में आकर सिपाहियों को लेकर उसके साथ जंगल में चली जाती हैं और आगे बढ़ते हुए हैरानगी से कहती हैं, ये सड़क तो नहर की तरफ नहीं जाती, तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो। तो बातनी सिपाही अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, सैयदना के पास। ये सुनकर बशोलो खतून और सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और बशोलो खतून कहती हैं, इन्होंने हमें जाल में फंसा दिया है। इसके साथ ही बेशुमार बातनी सिपाही झाड़ियों से निकलकर उन्हें चारों अतराफ से घेर लेते हैं। इसी दौरान एक जानिब से सब्बा फैसल के साथ अपना चारा डांपे हुए वहां आता है और बशोलो खतून के सामने पहुँच कर अपना चारा अयाग कर देता है। सब्बा को देख कर बशोलो खतून को एक जोरदार धचका लगता है और सब्बा पूछता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ बशोलो खतून। ये सुनकर बशोलो खतून उस लम्हे को याद करती है जब उन्होंने कबीले में सब्बा को भेस बदले हुए देखा था। ये ख्याल आते ही बशोलो खतून कहती हैं, तुम्हारे अल्फाज के पीछे खुफिया इरादे थे। तो सब्बा कहता है, दुनिया में ऐसा कोई भी राज नहीं जो सैयदना की गिरफ्त से बचकर निकल सके, अब तुम्हारे राज की कुंजी भी मेरे हाथों में आ गई है, सुल्तान मलिक शाह की खातून बशोलो। ये सुनकर बशोलो खतून के पांव तले जमीन निकल जाती है जबकि उनके सिपाही भी हैरानगी के आलम में एक दूसरे को देखते हैं। इधर मैदान जंग में सुल्तान मलिक शाह और तकिश एक दूसरे पर हमला आवर होते हैं और काफी देर गुथम गुथा रहने के बाद तकिश पहला मुक्का सुल्तान के मुंह पर रसीद करता है। इससे पहले कि सुल्तान मलिक शाह संभलते तकिश का वार उन्हें छलनी करता हुआ गुजर जाता है। ये देखकर सुल्तान के करीबी लोगों में बेचैनी फैल जाती है मगर सुल्तान मलिक शाह अपने जख्म की परवाह किए बगैर तकिश पर जोरदार हमले शुरू कर देते हैं और तकिश बमुश्किल सुल्तान के वार को अपनी तलवार पर रोकता है मगर सुल्तान की तरफ से पड़ने वाला मुक्का तकिश के मुंह के अंदरूनी हिस्से को खूनो खून कर देता है और वह कुछ देर खून थूकने के बाद एक मरतबा फिर सुल्तान पे हमला आवर होता है। दोनों एक दूसरे पर पे दर पे बोझ से वार करते हैं मगर तकिश एक मरतबा फिर सुल्तान को टक्कर रसीद करके पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है और सुल्तान के संभलने से पहले एक मरतबा फिर सुल्तान पे हमला आवर होता है मगर सुल्तान अपनी तलवार पर उसके वार को रोक लेते हैं और दोनों एक मरतबा फिर एक दूसरे के साथ जोर आजमाई शुरू कर देते हैं। इसी दौरान तकिश की तरफ से किया जाने वाला एक वार सुल्तान के पेट को काट डालता है और सुल्तान मलिक शाह तकिश के सारे खड़े हो जाते हैं। ये देखकर संजार जैसे ही अपने घोड़े को एड़ लगाने की कोशिश करता है वज़ीर आज़म उसे रोक लेते हैं। इसके साथ ही तकिश सुल्तान को जमीन पे गिरा देता है। ये देखकर सुल्तान के पूरे लश्कर में बेचैनी फैल जाती है और तकिश जैसे ही सुल्तान पे वार करता है सुल्तान एक तरफ हटकर इतने जोर से उसकी टांग पर वार करते हैं कि उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। इसके साथ ही तकिश घुटनों के बल आ जाता है जबकि सुल्तान तकलीफ से कराते हुए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी तलवार गिर गई है, इसमें अब मजीद ताकत नहीं रही तकिश। ये कहते साथ ही सुल्तान अपनी तलवार को म्यान में डाल देते हैं और मजीद कहते हैं, क्या तुम्हारी तलवार इस काबिल थी कि हुक्मरानी का हक रखती, तुमने मुझे मजबूर किया और खुद को अजियत का शिकार किया। ये कहते साथ ही सुल्तान मलिक शाह अपने घोड़े की जानिब बढ़ते हैं और वहाँ से कमान की तार निकाल कर उसे अपने हाथों के गिर्द लपेट लेते हैं। सुल्तान के हाथ में कमान की डोर देख कर तकिश खौफ से कांप जाता है और सुल्तान कहते हैं, अब कमान की डोरी तुम्हें सजा देगी। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़कर तकिश के पीछे खड़े हो जाते हैं और तकिश कहता है, अब जबकि मैं मरने वाला हूँ तो मैं जानता हूँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी भाई, मगर आपका रहम ज्यादा बड़ा है, अपने भाई को माफ कर दे मेरे सुल्तान। मगर सुल्तान तकिश की रहम की बीक को नजरअंदाज करते हुए डोरी के साथ उसका गला दबा देते हैं। इस पर तकिश बहुत मुश्किल से बोलते हुए कहता है, मत करें भाई जान मत करें, एक बार की गई गलती के बदले गर्दन नहीं काटी जाती। तो सुल्तान कहते हैं, ये सिर्फ एक गलती की वजह से नहीं है, तुम्हारी बहुत सी गलतियां बर्दाश्त कर चुका हूँ। ये कहते साथ ही सुल्तान डोरी को मजीद कुव्वत के साथ दबाते हैं और तकिश तड़पते हुए कहता है, बचपन में जब मुझसे गलती होती थी तो आप वालिद से छुपा लिया करते थे,
जब वालिद गुस्सा होते तो आप गलती अपने सर ले लिया करते थे। मुझसे गलती होगी, मुझे सजा मत दें। हमारे माँ बाप मर चुके हैं, आपके अलावा कोई नहीं, माफ कर दे मुझे। ये सुनकर सुल्तान की आंखें पुरनम हो जाती हैं और वो डोरी को खींचने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं, जिसकी वजह से तकिश की सांसें बंद हो जाती हैं। मगर कुछ देर बाद सुल्तान गुस्से की वजह से चिल्लाते हुए डोरी को छोड़ देते हैं और तकिश जोर जोर से खांसना शुरू कर देता है। जबकि सुल्तान उसके सामने आकर तड़पते हुए कहते हैं, तुम मेरे भाई हो, सलामत रहो, आखिरी बार बड़े भाई की तरह पेश आ रहा हूँ। तुम्हारी जान नहीं ले रहा, मगर गलतियों की सजा मिलेगी। अगर दोबारा बगावत की तो बहुत ही इबरतनाक सजा मिलेगी। ये कहते साथ ही सुल्तान जमीन में गाड़ी गई सुल्तान अलप अरसलान की तलवार निकाल लेते हैं और गरजते हुए कहते हैं, मैं हूँ अलप अरसलान का बेटा मलिक शाह, मैं इसकी गर्दन झुकाकर इसे घुटनों पर गिरा चुका हूँ। फिर सुल्तान अलप अरसलान मरहूम की तलवार फिजा में लहराते हुए कहते हैं, सल्तनत की तलवार मेरे हाथ में है और इस तलवार से सल्तनत के बच्चों की जाने नहीं ली जाएंगी। अब या तो सर कटाने वाले सर उठाएं या फिर सर झुकाकर इताअत करें। ये सुनकर मलिक तकिश का पूरा लश्कर अपने हथियार डालकर सुल्तान की इताअत का ऐलान कर देता है और सलजोगी लश्कर सुल्तान मलिक शाह जिंदाबाद तख्त उनका हुआ के नारों से गूंज उठता है। दूसरी जानिब सब्बा अपने सिपाहियों के साथ बशलो खतून के सामने खड़ा होता है और उसका हुक्म मिलते ही बादनी सिपाही आगे बढ़कर हमला कर देते हैं, जबकि बदबख्त सब्बा अपनी तरफ आने वाले कबीले के सिपाहियों को आनंद फानंद मौत के घाट उतार देता है। बादनी सिपाही तादाद में ज्यादा होने की वजह से कबीले के सिपाहियों पर हावी हो जाते हैं, मगर बशलो खतून बादरी के साथ लड़ते हुए बहुत से बादनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देती हैं। इसी दौरान फैसल आगे बढ़कर अपना खंजर बशलो खतून के गले पर रख लेता है और कबीले के तमाम सिपाहियों के खात्मे के बाद सब्बा उनकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, सालों पहले मलिक शाह तुम्हारी वजह से तख्त नशीन होने में कामयाब हुआ और अब तुम्हारी ही वजह से मज़ूल होगा। तुम्हारा राज सामने आते ही सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर बशलो खतून सब्बा के मुंह पे थूक देती है और फैसल गुस्से से कहता है, तुम हमारे सय्यदना के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। ये कहते साथ ही वो बशलो खतून को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करके जमीन पे पटक देता है और बशलो खतून थप्पड़ की ताब ना लाते हुए जमीन पे गिर के बेहोश हो जाती है। उधर तुरना खतून कबीले की खवातीन के सामने खड़ी होती है और कहती है, कबीले पर किसी भी जानिब से हमला हो सकता है, आप लोगों का एक हिस्सा कबीले के दरवाजे पर और दूसरा हिस्सा बाकी मकामात पर पहरेदारी करेगा। ये सुनकर खवातीन कहती है, जो आपका हुक्म तुरना खतून। इसके साथ ही वो सब वहाँ से चली जाती हैं। इसी दौरान कबीले के ढोल जोर जोर से बजते हैं और संजार अपने साथियों के साथ कबीले में दाखिल होता है। संजार को देखकर तुरना खतून बहुत खुश होती हैं और आगे बढ़कर उसके गले लग जाती हैं। फिर संजार कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तख्त की जंग में कामयाबी हुई। जवाबन तुरना खतून कहती है, आपके आने से खुशी हुई, खुशामदीद। इसके बाद संजार वहाँ मौजूद खवातीन को देखकर पूछता है, जुबैदा खतून की खुसूसी खवातीन पहरेदारी करती नजर आ रही हैं, खैर तो है तुरना खतून। तो तुरना खतून कहती है, वादी में हमले की खबर आई थी, इसलिए वालदा वादी की तरफ गई हैं और मैं कबीले की हिफाजत का ख्याल रख रही हूँ। इस पर संजार पूछता है, क्या वालदा अब तक वापस नहीं लौटी। तो तुरना खतून कहती है, नहीं जनाब। यह सुनकर संजार अपने साथियों से कहता है, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो गई हो, हमें फौरन वादी जाना होगा। दोगदो और अयास तुम लोग कबीले का ख्याल रखो। इसके साथ ही संजार अपने बाकी साथियों को लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे सब्बा और फैसल घोड़ा गाड़ी पर सवार जंगल से गुजर रहे होते हैं। फैसल कहता है, जब हमारे बारे में पता चलेगा कि हमने बशलो को अगवा किया है तो यकीनन संजार और तबार शदीद गुस्सा होंगे। तो सब्बा कहता है, सब हमारी जाने लेना चाहेंगे मगर ऐसा हो नहीं पाएगा। इस मर्तबा हम लोग सलजोकों की जाने लेंगे और वो लोग कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनको रोकने वाला कीमती तरीन खजाना हमारे हाथ लग चुका है। ये कहते साथ ही सब्बा घोड़ा गाड़ी में बेहोश पड़ी बशलो खतून की जानिब देखता है। इधर सलजोकी महल में तमाम लोग सुल्तान के इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। इसी दौरान एक सिपाही बुलंद आवाज से ऐलान करता है, जनाबे आली सुल्तान मलिक शाह तशरीफ ला रहे हैं। इसके साथ ही महल का दरवाजा खुलता है और सुल्तान मलिक शाह वज़ीर आज़म और अपने करीबी लोगों के साथ महल में दाखिल होते हैं। सेन में दाखिल होते ही सुल्तान अपने घोड़े से उतर जाते हैं, जबकि दो सिपाही तकिश को सहारा देकर घोड़े से उतारते हैं। तकिश को सुल्तान की कैद में देखकर ताजुल मुल्क खौफजदा हो जाता है और सुल्तान सिपाही से कहते हैं, ले जाओ इसे यहाँ से, ये सजा का इंतजार करे। सुल्तान का हुक्म मिलते ही सिपाही तकिश को वहाँ से ले जाते हैं। फिर ज़ुबैदा खतून कहती है, हमें हमेशा आपकी फतह का यकीन था, आप हमेशा फतेहमंद रहे मेरे सुल्तान। फिर तरकान कहती है, गिदड़ शेर को मैदान में ना पाकर खुद को बादशाह समझने लगते हैं। शुक्र के मैदान और सल्तनत किसी के हवाले नहीं हुए सुल्तान। फिर माँ मलिक कहती है, आप कैसे हैं सुल्तान, आपके जख्म कैसे हैं। तो सुल्तान कहते हैं, प्यारी बेटी तुम्हारी इस मोहब्बत ने मुझे खुश किया, तुम्हारी बातों से मेरे तमाम जख्म भर गए हैं। इसके बाद सुल्तान वहाँ मौजूद तमाम लोगों पर अपनी नजर डालते हैं और बुलंद आवाज से कहते हैं, अब मुजरिमों को सजा दी जाएगी, ये सजा लालचियों और अपने मुकद्दर पर राजी ना रहने वालों के लिए इबरत बनेगी। ये कहते साथ ही शेर दिल सुल्तान सुल्तान मलिक शाह अपने करीबी लोगों के साथ महल के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नगेबान।